सभी पहुंचे पैनल से सभी का स्वागत। अब थोड़ी देर में हमारे मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं, तो उसके बाद हम इस कार्यक्रम को भी रखने के लिए वेलकम सॉन्ग के बच्चे हैं जो वो भी रेडी रहे। अभी थोड़ी देर में विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम। यहाँ ये स्टैंड ना बनाए रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप सभी अपने अपने जगह पर विराजे। वीडियो बन जाएगी, चीफ गेस्ट है। मैं आ रहा हूँ, ये पकड़ दूँ, आप लेके चले जाओ। ये कौन सा, ये लाइव 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 वीडियो कोई नहीं बना, वीडियो तो बड़ा कैमरे वाला लाइव लॉग इन छोड़ दे क्लास 9 कमलेर द राइस हेलो
स्वागत किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी हमारे बीच बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे आंगन में पधारे। आप सभी का स्वागत है जी। श्री नरेश जी लालगढ़िया हमारे बीच पहुंच चुके हैं। वर्तमान में झांसी अभियंता विद्युत प्रसारण निगम श्री गंगानगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी। आपका विद्यालय परिवार स्वागत करता है जी। हमारे आंगन में बहारें छाई हुई हैं क्योंकि हमारे अपने हमारे बीच आज विद्यमान है जी पहुंचे हुए सभी अतिथि अभिभावक व बच्चे। आप सभी का स्वागत चांदी वेलकम। आपने अपने कीमती समय में से अमूल्य पल हमारे चिरने रहने बच्चों के लिए दिए, इसलिए विद्यालय परिवार आपकी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है जी। तो किसी भी कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करने से पहले मुख्य अतिथि जी का चुनाव करना एक परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमें खुशी है कि हमारे बीच आज श्रीमान जी नरेश जी लालगढ़िया अधिशासी अभियंता विद्युत प्रसारण निगम श्री गंगानगर आए हैं। वे हमें श्रीमान जी लालगढ़िया जी को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित करते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। अब मैं निवेदन करूँगा श्री वीरेंद्र जी शर्मा जी से, आप श्री लालगढ़िया जी श्री नरेश जी लालगढ़िया जी को बैज लगा के उनका स्वागत किया जाए। विद्यालय में पहुंचने पर उनका स्वागत विद्यालय परिवार बैज लगा के श्री लालगढ़िया जी को गौरवान्वित महसूस करेगा। सभी बच्चे गर्दन ध्वनि के साथ विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्री शेखर जी प्रबंधक शास्त्रार्थी संस्थान गुरुसर मोड़िया इनका भी सम्मान किया जाए जी। तालियों के साथ लगातार तालियां आसमान को गुंजा देनी चाहिए। आज हमारे बीच में हमारे अतिथि हमारे विद्यालय के अंदर पहुंचे हुए हैं। ये दिन बड़ा लंबा टाइम से हम इस दिन का इंतजार करते हैं, तो इस दिन को आज हमारे लिए यादगार के रूप में तालियां लगातार बजने लगनी चाहिए। श्री दलजीत सिंह बराड़ जी कनिष्ठ अभियंता जी श्री गंगानगर, आप भी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं जी। आपका भी तहे दिल से स्वागत। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथियों के रूप में सरपंच श्री गुरखेज सिंह जी से निवेदन है कि आप भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बैज लगवाएं जी। श्री हरचरण सिंह जी बराड़ उनसे भी निवेदन है। श्री रणजीत सिंह जी आप भी अग्रिम पंक्ति में आगे अपना स्थान ग्रहण करें जी। श्री रणजीत सिंह जी निवेदन जी रणजीत सिंह जी पीछे रह गए हैं। श्री बलवीर सिंह जी आपसे भी निवेदन है कि आप भी अग्रिम पंक्ति में आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं जी। आज का ये कार्यक्रम जो उड़ान के अंदर विभिन्न तरह के प्रोग्राम आपको दिखाए जाएंगे, छोटे
इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ योगा एक्टिविटीज किट भी आपके सामने बच्चों ने तैयार की है, वो प्रदर्शित की जाएंगे जी। विद्यालय से निवेदन है कि कार्यक्रम को तैयार रखा जाए जी, पहली प्रतिष्ठित कार्यक्रम को तैयार रखा जाए जी। श्रीमान रूप सिंह जी रिटायर्ड प्रधानाध्यापक जी को भी बैच लगा के सम्मानित किया जा रहा है जी। कर्सल ध्वनि लगातार इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि बच्चों के अंदर कार्यक्रम के प्रति बहुत ही उत्साह है और अपना बेस्ट यहाँ पर देने के लिए वो रेडी हैं। धन्यवाद शर्मा जी, थैंक यू। कार्यक्रम को अगले पड़ाव की तरफ लेके जाते हैं तो परंपरा के अनुसार सरस्वती माँ के समक्ष द्वीप पर लिख करके कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो मैं निवेदन करूँगा श्री नरोत्तम दास सिंह साहब, श्री रूप सिंह जी और श्री बेन सिंह जी से, आप हमारे विशेष मुख्य अतिथि श्री नरेश जी लालकरिया संशय अभियंता विद्युत प्रसार निगम श्री गंगानगर व अन्य विशेष अतिथियों के साथ मंच पे आए द्वीप प्रज्वलित करवा के आज के कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की जाए। सभी विशेष अतिथि श्री शेखर जी प्रबंधक प्रासनाम जी संस्थान गोल सगोरिया, आप भी मंच पे आए जी। जगजीत सिंह राठ वरिष्ठ अभियंता श्री गंगानगर, आपसे भी निवेदन, सरपंच श्री सुखवेश सिंह जी ग्राम पंचायत कुलसर मोरिया, आपसे भी निवेदन है। हरचरण सिंह जी व श्री बलवीर सिंह जी, आप सभी मंच पर आकर माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष भी प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की जाए। कर्तल ध्वनि लगातार चलती रहनी चाहिए। Welcome to the grand annual function Udaan 2024.
एंड वी थैंक यू ऑल फॉर योर एक्सीलेंट प्रेजेंस. So without delay, let us start the function. Our school has a lot of talented guys and we are very excited to introduce them to you all. So now I would like to seek permission from the chief guest to start the program. So can we start the program, sir? Thank you, sir. So without delay, let's start the program. सबके दिल में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर एक पल लाइक इस उम्मीद में गुना के सारे कम इस आयोजन में आप सभी का कहते हैं वेलकम. तो जैसा कि हमारे गुरु ग्रंथों में लिखा है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवों के सम्मान. तो अतिथियों की हम अब एक वेलकम डांस से वेलकम करना चाहते हैं. तो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर टू वेलकम दीज गेट्स इन फ्रंट ऑफ यू विद अ वेलकम डांस. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन बच्चों के लिए, क्योंकि स्टेज पर आने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और इन बच्चों के अंदर यह कॉन्फिडेंस भर भर के भरा हुआ है. Thank you.
इसी के साथ मैं बनाना चाहूंगा
आपके सामने परफॉर्म करना चाहिए। बड़ी हरियाली है भाई, बड़ी हरियाली आई है।
ओए आए यार यारे आ गए रे बोल हम के रुक 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 ओए हां भाई तेरा तो ध्यान नहीं हो गया भाई हो गया भाई ये तो शाकाहारी कड़ी गल है तेरा ये खुले सांग ना तू फंदा कर उतने भी तो डर नहीं लगता ओ यार डर तो करे जन्ना पहला मैंने ये दस कर ये तो डरता कौन है ओ भाई मैं डरता हां सारे डरते यार तेरे को कड़ी गिदड़ से की पीछे डरता नहीं ओ यार इधर देख कपड़े मैं तो आया भांडे मैं ना गया रोटी मैं बनाया चाय मैं बनाया डर की कड़ी गल है वाह भाई तू तो बत्ती हुई है सारे काम ही तो बेड़े नहीं नहीं इधर देख डरना नु पट्टे मैं पाया झाड़ू मैं लाया पोछा मैं लाया ओ वाह भाई असली दलेर दा तू मान सी नु ही तुरे फिरदे है तू रखना डरा दे टीवी नु और थल्ले ला के रखी है जुत्ती दे हुन अगली ने खुद ने पूरे एक घंटे दी छुट्टी दीती है एक घंटा हां जल्दी जा जल्दी काम करा को मैं एक घंटे रे वापस आ जी ओए होए चल चका भाई अब फिर मिला के मेरे टाइम बहुत घट है चल ठीक है आप एक लोग बढ़ा दे ले रहे हैं तो ही धक्का तो होने हमारे स्कूल के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जहाँ हमारे स्कूल के अंदर बच्चों की नॉलेज के साथ साथ उनके थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप किए जाते हैं जो भी उन्हें पढ़ाया जाता है उस प्रैक्टिकल नॉलेज को थियोरेटिकली कन्वर्ट करके दिखाया भी जाता है ताकि बच्चा जब आगे बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े फील्ड्स में जाता है तो वहाँ पे वो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी करके देखेगा तो वो कभी भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहेगा तो इसी को दर्शाने के लिए हमारे स्कूल के विद्यार्थी अब स्टेज पर आए हैं कुछ साइंस एक्टिविटीज के साथ साथ तो अभी तक हमने बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज देख ली तो अब मेरा ये मन है कि अभी यहाँ पर कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज भी हाँ सुप्रीत मैं भी एजुकेशनल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ तो अब आपके सामने पेश है साइंस एक्टिविटीज और
ग्वालियर। जैसा कि आप सबको पता है कि ये आटा छन्नी है और आटा छन्नी के अंदर से पानी आसानी से क्रॉस हो जाता है, तो ये बच्चे इस एक्टिविटी के माध्यम से ये साबित करेंगे कि इसके अंदर से पानी क्रॉस होने से कैसे रोका जा सकता है। तो एक्टिविटी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे। Good morning to all. My name is Rani and he is my friend Kapi. We are here to present an science experiment. The name of this experiment is surface tension. My friend will explain this experiment and I will do this experiment. Let's start. Hey all, as you know, to do any activity, we require some material. In this activity, we require a trainer and a glass filled with water. First of all, we will drop the water into the trainer. You can see the water is crossing into the trainer. After that, we will fill the glass again with water. Then put the trainer on the glass and invert it quickly. Give some pressure on it and remove your hand slowly. इसका कारण यह है कि पानी में छन्नी पर जिस कारण पानी क्रॉस नहीं हो पाया। क्या शानदार साइंस एक्टिविटी है, छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अबे बच्चा आपको करके दिखाएगा कि पानी की डेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे नींबू की डेंसिटी ज़्यादा होती है और पानी की डेंसिटी कम होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम मुकुल गुप्ता फ्रॉम क्लास 7 टेबल। टुडे आई एम गोइंग टू डू एक्टिविटी ऑन डैश की ओर द मटीरियल रिक्वायर्ड इज 2 बीकर एंड ओनली 3 बीकर एंड 1 गिलास सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड लेमन 6 लेमन। Now I am putting out the salt in 1 liter. Now I am mixing. Mix it properly. Lemon settle down because density of a normal water means clean water is very less. Now I will put lemon in salty water. आपको बता दूं कि क्लास 5 का स्टूडेंट है जिसने ये वेस्ट मटेरियल को यूज करके टेबल फैन बनाया। वेस्ट मटेरियल, तो ये अभी अपना मॉडल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। Hello audience, my name is Ekam, I am from class 15. Today, I have made a project of science. The name of the science project is a table fan. All materials are waste materials. The materials are a switch, some wire, a battery, a PVC pipe, a plywood, a bottle cap, a plate, and a wood. But how is it made by? First, I made a hole in the plywood and pasted the pipe to it. Then I made a small hole and a big hole in the bottle cap. Then I crossed the wires into small holes in the bottle cap. After that I
tested the pipe to the big hole of the bottle. Then I jointed one end of fire to battery and one end of fire to switch. Then I jointed one end of fire to battery to switch. Then I jointed the blades to the button and pasted the pipe over the hole. Now how it works? First, when we press the switch, the battery generates electric energy and it goes to motor through wires and converts into kinetic energy. Then it goes to the blade and converts into mechanical energy. So it works. Thanks and have a nice day. It is made from the waste material. I use some carbon cylinders and some pipe in this. I fix two pipes upward and place one cylinder here and fix other cylinder at the other end of the pipe. Whenever I will press this, the front side of this will go downside to any object. Open it, stand, and after that, pick up them and close it. Thanks. Have a nice day. Worker takes the rocket and fly into worker. Working the machine. Working models and 40-50 cylinders used as a movement of area. Movement. Once again, the front side pulling up. This front side pulling up. It close up. Total waste material. Yes, this is the greatest of our schools. They are converted, their practical knowledge is Hi friends, my name is Akshay. I lead in third level class. Today I am describing the model of lithium. I made this model with the help of glass, some pencils, and thermal spoon sheets, etc. The major of कोई बात नहीं देखना चाहते हो देख सकते हैं।
बल्ले 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 आइता बड़ा कर दी ना बल्ले लगता कार्पी का मार्कुला खुला होगा आइता फिर जेब्बा करके लगे करे रोक 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 वो एक पास तेरा तेला मैं चाहता हूँ ना मैं नहीं थे चक्कर वाला नहीं चक्कर को ना और फिटे हम उठ करे आज का तो लोग की थोक दे भी है मैं जब दस रुपये रहता ना फिर हम यार तो हर ठीक लाता आपके सामने हमारे स्कूल के डिफरेंट चैनल्स का एक बैनर लगा हुआ है उसके अंदर जाके आप हमारे ये जो उड़ान 2024 ग्रैंड एनुअल फंक्शन है उसे देख सकते हैं और याद रखना कि आप हमारे चैनल्स को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें इन छोटे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार और आज तो बजरे खाए पर भी ले क्यों
करने लगे, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें अच्छे अच्छे संस्कार दिए, वो आज हमें यहाँ तक लेकर आए लगे। तो मैं इनके लिए कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूँ। कुछ ना पाया तो क्या कम है, कुछ ना पाया तो क्या कम है, माँ बाप को पाया ये क्या किसी से कम है, जो थोड़ी सी जगह मिली किसी कदमों में वो क्या किसी जन्नत से कम है। तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स नाम की कोरियोग्राफी आपके सामने प्रेजेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है, हमें सफल बनाने में हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस योगदान के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे हम पिता कहते हैं। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी होगी तो कभी ना भूल पाऊंगा वो कहानी है पिता। चाहे खुद का कितना भी बड़ा काम करना हो जाए, पर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता है पिता। लेकिन बच्चों के सिर्फ एक नादानी भरे कदम से माँ बाप टूट कर बिखर जाते हैं। रोहन जल्दी उठो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। सबके दिलों में अरमाए हैं, जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कितने जब ये
अग्रिम प्रस्तुति की ओर। आपकी हंसी हमें बहुत प्यारी लगती है, आपकी हर खुशी हमें हमारी लगती है, अभी दूर ना करना खुद से हमें, क्योंकि आपकी हंसी हमें जान से भी प्यारी लगती है। तो अब आप सबको एंटरटेन करने आ रहे हैं आवर लिटिल चैंप, प्लीज वेलकम देम विद क्लैपिंग। नहीं लगना वो ठंडे में रसगुल्ले आएंगे। नहीं यार कॉफी आऊंगी। नहीं ठंडा ओए नहीं आप लड़ना नहीं, आप ऐसे कर दे आप शर्त ला लेने सही है। जे ताई कॉफी रखा दोवे जने ला लेके तुझे 100 रुपया दांगे, ते जे आई चा फिर तुसी दोवे जने ला लेके मने 100 रुपया दोगे, ते जे आया ठंडा फिर असी दोवे जने ला लेके तेनु 100 रुपया दांगे। ठीक है ओ आनो आनो भाई किन्नी दूर आयो भाई, पानी पियो वाटर वाला पानी है भाई, पानी पियो पी लो। चलो चाकर यार अब बैठो तुसी फिर प्रोग्राम देखो है। हां जाना नहीं नहीं भाई असी चाहते हैं बहुत खातरदारी भाई शादी खातर दाई की कमीर है जो हो ही नहीं सकता कोई हो चक्कर। जोरदार तालियों से स्वागत करें हरियाणवी डांस का।
गर्ल्स स्कूल से वाइस प्रिंसिपल मैडम विमल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। गर्ल्स स्कूल से दूसरे स्टाफ भी आए हुए हैं। सभी का विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है जी। लकी लकी विद्यालय में पंजाब हरियाणा और यूपी से जो पेरेंट्स आए हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम जी। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपने समय में बच्चों के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
निवेदन करूंगा श्री जगजीत सिंह जी से कि एक पेरेंट्स का जो लेडीज की तरफ से एक प्रोग्राम है म्यूजिकल चेयर, तो सभी से निवेदन है कि जिनका भी नाम है, जिन भी अभिभावकों का लेडीज का नाम है, तो जगजीत जी से स्टेज के पास आके मिले। इसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पेरेंट्स की रहेगी। हाँ जी, लो जी पेश है भंगड़ा अपना हाँ बोल रहा
एक्टिव एजेंट्स हैं डियर ऑडियंस इंडियन न्यूज इस पूरे वर्ल्ड की सबसे टैलेंटेड लेकिन आजकल इंडिया का यूथ इसका जो टैलेंट है उसका बहुत पूरी तरीके से गला घोटा जाता है। कैसे? करप्शन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जैसी फील्ड में भी करप्शन है। हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि ये करप्शन किस कदर फैला हुआ है। हम रोज केसेस देखते हैं, पेपर लीक, फ्रॉड डॉक्यूमेंट, पेपर सेलिंग के। आप सोच सकते हैं कि इंडिया का यूथ कितना बर्बाद होगा और कितना अनएम्प्लॉयड रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ इन करप्ट लोगों की वजह से। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई होती है, जैसे सबसे पहला मास सुसाइड। मास सुसाइड, जितने भी बच्चे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जब भी कोई पेपर लीक होता है, जिन जिन बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट होता है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उन्हें मौत ज्यादा बेटर लगती है। तो आइए देखते हैं कि करप्शन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से बसता है और उसके इफेक्ट्स क्या है। एक Oh, I can't.
Asking for donation over 25 lakhs for your admission. What? Do not wait without giving that donation. But beta, why should they give? You scored good marks in any exam. You deserve a seat. No, Papa. I told you that it's my dream to be a doctor. Okay, beta, I shall manage it. I shall go to police station for complaint against Mr. Esteban, sir. I want my admission in college. Don't worry, beta, your father will fix everything. Okay. Okay. If I take how many cases for today? Only two cases. Hello. Have a seat. Sir, my name is Nachotu. Hey, Mr. I am not interested in your name. Sir, I came here for complaint against Mr. S.K. Bansal. What? Are you saying about S.K. Bansal, the famous Kavya Principal? Yes, you heard it right. Hey, Pate, he got mad. Yes, sir, he got mad. How are you talking? You are a public servant. Behave like that. Hey, Pate, he is saying what he is here. Can I put him behind the prison? No, chill, Pate, chill. Hey man, what's your matter? Sir, I went to Stephen College for my son admission in a doctorate. But they are asking donation over 25 lakh for my son admission. How can I manage it? Actually, it is not a donation. It is a bribe. So what? It's common now. You just pay donation, take admission for your son. Simple. You know who is he? He is one of the richest person of this area. And you are complaining about him? But how can I manage it? It is too much amount of money. That's your problem. Why are you wasting my time? It is your duty. Have some water. Papa. Wait, wait, beta. Let him drink the water. Papa, what happened in the news station? Beta, they are also supporting rich persons. Papa, I told you, if you had given the donation, then I could get my admission too easily. But beta, I have not this much amount of money to give that crap person. I know, Papa, we are not rich people. Papa, I believe you like my superhero, but you are not my superhero anymore. You hurt me, Papa. Beta. You hurt me. Beta. You are so mean, Papa. It's my final chance. I will love you to you. You hurt me, Papa. You hurt me. Please stop it. Who am I? I am nothing. I bet against corrupt system. And I am not able to fulfill my son's dream due to some greedy people, corrupt system, and because of my poor financial condition. I fail as a father. My son is dreaming to be a doctor since childhood. But now his dream is destroyed in my hands. Oh God, what can I do? There, everyone are supporting rich person. There are not supporting poor people. Why not? Everyone is demanding money. But there is not value for scoring high and good marks in examination. Why? There is not value for knowledge. Why? God, you are an eyewitness of this. God, please take care of my family and open your arms to me. I am coming to you. I have not any other reason to live anymore. Now, this is the last option. I am taking poison and ending my life. Oh, God. क्या कर रहे हो पापा पापा
Corruption is a blood. Corruption is a blood. That destroys it. That destroys it. Before it destroys us. Before it destroys us. The evil of corruption. The evil of corruption. Reach into. Reach into. Every corner of the world. Every corner of the world. It lies at the. It lies at the. Heart of. Heart of. Most urgent problems. Most urgent problems. That we face. That we face. Corruption is paid by the poor. Corruption is paid by the poor. Thanks. एक बहुत ही बेहतरीन स्केट इन बच्चों द्वारा आज के एजुकेशन सिस्टम की करप्शन के दर्शाते हुए। अब मैं पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि अपने आश्वास रूप इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। थैंक्स। बहुत ही एक मार्मिक प्रस्तुति बच्चों ने यहाँ पर पेश की। थोड़ा टेक्निकल इशू माइक की वजह से कुछ समय के लिए इसमें प्रॉब्लम आई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब एक निवेदन है कि कुछ गाड़ियां हैं जिनके नंबर बोल रहा हूँ वो बीच में लग गई हैं, वो सिस्टमेटिकल वे से नहीं लग खड़ पाई हैं, और उनके आगे कुछ गाड़ियां हैं वो निकालनी है या उनको इधर उधर करना है। तो मैं उनके नंबर बोल रहा हूँ, RJ07CB4428 एक HR नंबर गाड़ी है, 5526 5556 एक RJ13CD4298 और एक गाड़ी है RJ13CC3539 तो ये गाड़ियां थोड़ा आप मैनेज कर दें, ट्रैफिक इंचार्ज हैं जो भी वहाँ से उनको उनके साथ मिल लेंगे। वन सेकेंड 44 28 55 26 42 98 और 35 39। अभी म्यूजिकल चेयर, इसमें हमारे जो गेस्ट का पार्टिसिपेशन करवाया गया है, हमारे गेस्ट आए हैं, तो मैं हमारे साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी हमारे अभिभावक फ्रेंड जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप ये म्यूजिकल चेयर कम्प्लीट करवाएंगे। मैं सभी जो लेडीज गेस्ट की तरह आई हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो स्टेज पर आए और अपनी गेम में परफॉर्मेंस दें। प्लीज सारे लेडीज प्लीज खड़े हो जाएंगे, सारे लेडीज खड़े हो जाएं प्लीज। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होगा आप लोग राउंड अप घूमोगे और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा आपने चेयर पर बैठना है। जब म्यूजिक चलेगा आपने राउंड में घूमना है, जैसे ही म्यूजिक बंद होगा आप लोग चेयर पर बैठोगे।
स्टार्ट द म्यूजिक प्लीज। प्लीज मूव फास्ट, आप प्रेस कर सकते हैं, स्लो मत चलें, प्लीज चलें, all of you please have a flower and enjoy everyone. Stand up please, खड़ी हो जाए सारी। आपने जो ले, जो दीदी आउट हुए हैं वो स्टेज पर ही रहेंगे। आपने जो म्यूजिक चल रहा है थोड़ा सा फास्ट चल रहा है मैडम। इनके घोषणे के लिए कैंपेन लगातार होते रहने चाहिए। स्टेज पे आना एक अभिभावक के साथ साथ अभी हम कह सकते हैं कि यदि स्टूडेंट यदि सुपर हैं तो पेरेंट्स भी आज के सुपर हैं, क्योंकि वो भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, स्टेज पर आके अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू। थोड़ी रोचक बन जाए क्योंकि अब दो बार वेरी गुड। एक एक करके प्रतिद्वंदी द्वंदी कम हो रही है और जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। अभी सभी के धड़कने तेज है कि मैं ना बाहर हो जाऊं, मैं ना बाहर हो जाऊं, तो सुधीर जी से निवेदन है कि जल्दी चेयर की सेटिंग की जाए। हाँ जी, म्यूजिक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर। कुछ रोचक Thank you.
तो बहुत ही नजदीकी मामला रहा यहाँ पर मुकाबला कड़ा हो आप देखो कि लेडीज कई लेडीज स्पेस
हाउसवाइफ हैं, उनको स्टेज पर चढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो हमने ये परफॉर्मेंस इसीलिए रखी थी कि बच्चों के जो मॉम्स हैं वो भी स्टेज पर आई और अपनी परफॉर्मेंस दे। इनके लिए क्लैपिंग। ऐसे ही एक स्टैचू डांस जेंट्स पेरेंट्स जो आए हुए जेंट्स की तरफ से स्टैचू डांस रहेगा, जस्ट चार मिनट पाँच मिनट का रहेगा, चार मिनट का। तो जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जेंट्स निवेदन है कि वो भी अभी जगदीश सर यहाँ पर आ जाएंगे तो उनसे आप संपर्क कर लें। जेंट्स का दो एक दो आइटम होने के बाद कल्चरल एक्टिविटीज के बाद जेंट्स का अभी एक प्रोग्राम रहेगा, तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। हम तो कहते हैं कि स्टेज पर जाए। कृपया सभी ध्यान दें, एक गाड़ी खड़ी है बाहर 0101, कृपया वो साइड पे कर ले आप। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। यदि कोई व्यक्ति अपना कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित कर ले और अपना मन और मन लक्ष्य को पाने में लगा दे तो कहता हूँ दोस्तों के सितारे भी अपनी जगह पर लेते हैं। इसी हौसले के साथ मंच को सजाने आ रहे हैं और इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियां। Thank you.
ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇਠ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦੀ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੇਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਪੂਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਸੋ सामने पेश है पंजाब की आन बान शान भांगड़ा फेमस पंजाबी सॉन्ग पंजाब Yeah.
ਭੰਗੜਾ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੰਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੱਪੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਿਆ ਹੀ ਹੈ जो बच्चे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहुंचे हुए हैं प्लस टू वाले बच्चे हैं जो वो जल्दी से साधन में पहुंच के रामेश्वर सर से मिल लेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले बच्चे जो प्लस टू वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे जल्दी से साधन में पहुंचे ऑनरेबल ऑडियंस हम सब 21वीं सदी के लोग हैं और आपको पता है कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज कौन सी है वो है मोबाइल फोन इस कदर यूज होती है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2013 में वर्ड ऑफ द ईयर सेल्फी चुना था आप समझ सकते हैं वर्ड ऑफ द ईयर सेल्फी जो कि जनरेट होता है मोबाइल फोन के और मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने मिलकर के हमारी आज के जमाने की इतनी सारी चीजें खा ली कि क्या बताएं जैसे मोबाइल फोन ने टॉर्च खा लिया मोबाइल फोन ने ब्लॉग खा लिया मोबाइल फोन ने कैलेंडर खा लिया उसी के साथ सबसे जरूरी जो सोशल मीडिया है उसने हमारा अटेंशन स्पैन और हमारा टाइम खा लिया और इन दोनों की मिली भगत उससे भी बड़ी चीज खा गए वो क्या है रिश्ते और क्लोजनेस आप सब ऑब्जर्व करते होंगे कि मोबाइल फोन्स के आने के बाद से पेरेंट्स और बच्चों में उतनी क्लोजनेस नहीं बची दो फ्रेंड्स के बीच में उतनी क्लोजनेस नहीं बची ना उतनी ओपननेस बची है ये सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है मोबाइल फोन और सोशल मीडिया तो जो अगली परफॉर्मेंस है वो इसी पे है और कोरियोग्राफी ऑन द डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल एंड इट्स इफेक्ट ऑन रिलेशंस थैंक यू बच्चे मां बाप बैठ के आज बोला आगे चल देंगे मां बैठ के कुर्सी पर इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियां
मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा भी हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है, ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर की हो, वो क्लास की सीट हो या मूवी की टिकट हो, हर कोई कुर्सी के पीछे पागल है। वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई कुर्सी के पीछे भागल है। भले ही उसके लिए उसे सच बोलना पड़े या झूठ बोलना पड़े, सभी को बस कुर्सी चाहिए। कुर्सी बावत। अब क्या आपने सोचा है कि अगर क्या हो, अगर एक ऐसी कुर्सी समाज में डाल दी जाए जो उस पर बैठने वाले के बारे में सब सच बता दे, सच बोलने वाली कुर्सी।
सोचा है, तो आइए देखते हैं सच बोलने वाली कुर्सी किस्सा कुर्सीदा, जो कि एक ऐसी कुर्सी के बारे में है जो हमेशा सच बोलती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष आज की हालातों पर किस्सा कुर्सीदा। हेलो 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 माइक चेक कर रहे हैं। हेलो हेलो ठीक है, ऑल आर वर्किंग। हेलो 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 ठीक नंबर बता दो, कितने नंबर आई है? एक नंबर। थ्री थ्री थ्री। हेलो 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 कुर्सी 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 का ताज यो कुर्सी है जीते बैके बंदा सच बोल रहा है। ये धर्म नाल लग्या सी नहीं, इस कुर्सी का पता पहला साडे धर्म नाल लग्या सी नहीं, इस कुर्सी का पता पहला साडे नहीं, इस कुर्सी का पता पहला साडे धर्म नाल लग्या सी नहीं, साडे धर्म नाल लग्या सी साडे कुर्सी पिछे बंदा देव मार दे, मैं करना
ਚੱਲ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸੀ ਨਾਸੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਕੋ ਪਤਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਦੱਸ ਆਪ ਬੋਲ बचो बचो एह तो ए चिट्टे ते आ गए जो ओवर डोज हो जाती है फिर आने अखबार सुर्खियां भाजा इतना बाबा बोलता बाबा बोलता बाबा बोले ना हो करे करे बच्चा एक कुर्सी तू सानू दे दे चल दफा कर कुर्सी तू मैनू दे दे तो जिने पैसे बन गए आजाद कर लांगे देख लो वेख लो अज एह अखा बंद करके भरोसा कर लेना ना बाबा जी बाबा जी ए कुर्सी है जिसे बंदा बह के सच बोलता हां मुंडे आए ओही कुर्सी है जिसे बह के बंदा सच बोलता फिर तोड़ दियो नहीं कभी तोड़ दियो भगवान दी भेजी हुई कुर्सी आ ते केड़े भगवान दी भेजी हुई कुर्सी आ जिन्ना सामने एक निक्की बच्ची दा रेप होरा रिया ए केड़े भगवान दी भेजी हुई कुर्सी है जिन्ना ने बनाए जीव असि वट वट के खा रहे हैं उन्होंने बनाए धर्म मिलजुल के रहन दी कुर्सी उन्होंने विच लंगे लड़ाईयां करवा रहे हैं ओ भाई नहीं पता लगा कि कल्ला माजी सच बोलता इतने का मुद्दा भी खरी सच बोलने कहीं कुश्ती लोड़ नहीं जमीर की लोड़ है व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय दी स्टूडेंट्स अब मैं निवेदन करूंगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है इसके अंदर मैं यहां उल्लेख कर देना चाहूंगा कि जो बच्चे इस विद्यालय में एलकेजी क्लास में आए थे और 12th पास आउट करके गए हैं
कंटिन्यू स्कूलिंग, एक ही स्कूल में हमारे विद्यालय के ऐसे 20 बच्चे हैं, तो इन बच्चों के लिए क्लैपिंग हो जाए। एलकेजी से लेकर 12th तक की स्कूलिंग यहीं पर हुई है, उन बच्चों को विद्यालय परिवार सम्मान करना चाहेगा। तो इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रोहतम दास जी प्रिंसिपल से कि आप हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान जी लालगढ़िया जी को आप मंच पे लेके आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनको ट्रॉफियाँ विद्यालय परिवार दिया जाएगा। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा श्रीमान शेखर जी से कि आप भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मंच पे आए। अभी किसी ने जाना नहीं है, इसके बाद अभी और कार्यक्रम बाकी हैं। अभी प्रोग्राम की कुछ कड़ियां अभी बाकी हैं, तो सभी पेरेंट्स ध्यान दें, अगर किसी के पास रिफ्रेशमेंट नहीं आई है तो प्लीज जा सकते हैं आप। बच्चे के पेरेंट्स यदि आए हुए हैं तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पे आ जाएं। सबसे पहले अंशदीप है, एडमिशन नंबर 1 था जी इस बच्चे का, आज 12th पास आउट करके एग्जाम दे करके ये बच्चा आज हमारे विद्यालय से विदा हो रहा है। एडमिशन नंबर 1 था इस बच्चे का, एलकेजी में था, और इसी के साथ साथ इसी के क्लासमेट्स हैं जो इन बच्चों ने पूरी स्कूलिंग हमारे विद्यालय में कंप्लीट की है। इन बच्चों के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अभी पेरेंट्स आए हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आएंगे। धन सब कुछ किराया, I would like one of our brilliant students, ये अंकित इंसा है, और आपको बोलता हूँ जब हजू पिताजी ये स्कूल की नींव रखे, स्कूल खोला, ये हमारा बच्चा जिसका रोल नंबर 1 था, जिसका रोल नंबर 1 था, और मतलब से वो स्टडी शुरू करके 12th पास आउट होकर जा रहा है, और ये बच्चा का जो स्टैंडर्ड के बारे में आपको बोलना चाहूंगा, 4-5 साल के बाद शायद हमको मौका मिल गया इसको बुलाने के लिए, और ये यही स्टेज पर आएगा कि इंजीनियर बन के जो कि देश का सेवा करता रहेगा। एक नंबर एडमिशन का बच्चा और एक नंबर बनकर जरूर सुधरेगा। मैं अभी इनके पेरेंट्स को इन्वाइट कर रहा हूँ, प्लीज आ जाइए स्टेज पर। सर रूप सिंह सर, प्लीज कम ऑन द पोडियम। रूप सिंह सर प्लीज। पेरेंट्स बच्चे के, अंशदीप के पेरेंट्स आए हैं, साथ में आए हैं अंशदीप के पेरेंट्स। गगनदीप के पेरेंट्स भी आ जाएं, कुणाल के पेरेंट्स भी आ जाएं। ये भी बच्चे सारे सेम एक ही ग्रुप से, ये एलकेजी लेन का एडमिशन हुआ था और आज 12th कुणाल।
आकाशदीप और उसके पेरेंट्स कुणाल अब ट्रॉफी प्राप्त कर रहा है, इसके बाद आकाश। सारे एक ग्रुप फोटो फिर होगा सभी बच्चों का और पेरेंट्स का। सनमदीप और उसके पेरेंट्स, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। इन बच्चों की हौसला सनमदीप कीजिए, क्लैपिंग इन बच्चों के लिए होनी चाहिए। सनमदीप कुछ बच्चे अभी आज नहीं आ पाए हैं, एग्जाम है, आर्ट सेक्शन में जो बच्चे हैं उनका एग्जाम चल रहा है उस वजह से अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो 2 बजे तक उनका एग्जाम रहेगा। गुरदास हमारे माननीय प्रिंसिपल श्री रतनदास जिनसा का बेटा है जी गुरदास, और उम्मीद करते हैं कि अश्लील की तरह वाले को भी बुलंदियों पर सफलता की शिखर स्थिति पर चढ़ाए। थैंक यू जी, धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो के लिए सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे जिनको भी अवार्ड मिला है उनसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा से इस स्वीट मेमोरी को सहेज के रख सके। आज हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है हमारे अतिथियों का और इतने ऑडियंस का, जैसे शालू मैडम जी आपसे भी कहते हैं कि आप भी आए, कुछ बच्चों की माताएं आएंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आएंगे। राजकुमार जी हैं वो किसी कार्यक्रम में व्यवस्था के कारण जल्द से जाना चाहते हैं, तो उनको भी विशिष्ट अतिथि श्री राजकुमार जी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी बीकानेर डिवीजन से हैं, तो वो अपने कार्यक्रम में हमारे भी पहुंचे, इसके लिए इनका तहे दिल से स्वागत। विद्यालय स्वीट मेमोरी इनको देना चाहते हैं श्री राजपाल जी दल्ला साहब, सहायक प्रशासनिक अधिकारी बीकानेर डिवीजन। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब अगली प्रेजेंटेशन के रूप में हमारे विद्यालय के स्पोर्ट्स मैन है जो वो एक योगा एक्टिविटी आपके सामने परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूँगा श्री मदन जी कोच से कि बच्चों को आप स्टेज पे लेके आए। अब तक के विद्यालय के स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स की बात करें तो जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि स्पोर्ट्स के अंदर हमारे शिक्षण संस्थाएँ परचम लहरा रही हैं, तो पिछले साल लास्ट ईयर के फुटबॉल के अचीवमेंट्स बात करें अंडर 17, अंडर 19, अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट गोल्ड, तीनों वर्गों के अंदर डिस्ट्रिक्ट गोल्ड, अंडर 14 की टीम ब्रॉन्ज मेडल प्री सुब्रतो मुखर्जी कप के अंदर ले गए थे। यदि बात की जाए अंडर 17 की तो उसमें जूनियर स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल स्टेट लेवल पे ले गए थे। हमारी अंडर 19 की टीम के दो मेंबर सूरज अंडर 19 में, आकाशदीप अंडर 19 में और सियाज खान अंडर 14 के अंदर स्कूली गेम्स के अंदर नेशनल पार्टिसिपेट किया इन बच्चों ने। तो ये हमारे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स रेडी हैं अपनी प्रेजेंटेशन के रूप में।
बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन ये हमारे कोच साहब मदन सिंह बेनीवाल द्वारा तैयार की गई है। सारे स्पोर्ट्समैन हैं, नेशनल स्टेट प्लेयर हैं हमारे, इनके लिए बहुत बड़ी गैपिंग लगातार गैपिंग होनी चाहिए। बेटा प्रॉप्स उठा लीजिए। तो इसी दौरान मैं आगे हमारे अचीवमेंट्स हैं जो विद्यालय की, जैसा कि विदित है कि थोड़े ही सालों के अंदर लास्ट 10 इयर्स की बात करें यदि, तो उसमें पिछले साल अंडर 14 क्रिकेट के अंदर गोल्ड मेडल रहा था अपना लास्ट ईयर। 10 इयर्स की बात करें तो 20 खिलाड़ी हमारे यहाँ से क्रिकेट और फुटबॉल के अंदर नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। 17 बार गोल्ड स्टेट में हमने विन किया है, 14 अंडर 14 के अंदर एक बार विन किया है, अंडर 14 के अंदर एक बार विनर रहे हैं, अंडर 19 के अंदर सिल्वर रहा है। आदित्य क्रिकेट के अंदर नेशनल में राजस्थान को गोल्ड दिलवाने में, अंडर 14 के अंदर नेशनल में राजस्थान को गोल्ड दिलवाने में आदित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हमारे स्कूल के अंदर अंडर 17 फुटबॉल टीम ने 2014 से 23 तक लगातार राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में मेडल प्राप्त किया है, जिसमें सिर्फ कोरोना काल को छोड़ के जब टूर्नामेंट नहीं हुए थे तब तब अचीवमेंट्स ले रही है। बाकी लगातार 3 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। इसी दौरान 163 खिलाड़ियों ने विभिन्न टूर्नामेंटों में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। संस्था से एक खिलाड़ी टूर्नामेंट में इंटरनेशनल लेवल पे उसने पार्टिसिपेट करके श्री गंगानगर जिले का पहला खिलाड़ी हमारे यहाँ से पिताई की मेहरबानी से आया है। अब मैं अगली कार्रवाई के लिए बेंच जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। The students who have participated in science model demonstration, please reach near the principal office. ਕੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਪਾਲਟੀ
हर प्रोग्राम की शान भंगड़ा एनुअल फंक्शन उड़ान की आखिरी पेशकश तिखी तलवार ने सानू जन्म दिता कुड़ती मिली खंडे के धार विचों साबत सूरत सिर दस्तार सोनी साडा वखरा ही रूप संसार विचों बंद बंद कटवाए पर सी ना कीती लखा होड़िया भी सतों हारिया ने लोकी एवें नहीं सानू सरदार कहते सिर दे के लिया सरदारियां ने लो जी इस फंक्शन की आखिरी प्रस्तुति भंगड़ा एक शेर के नाल यादा दे विच याद सी तेरी की याद सी कुछ याद नहीं तेरी याद च सब कुछ भुल गए की भुल गए कुछ याद नहीं एक याद है भंगड़ा बस भंगड़ा ही भंगड़ा क्यों याद है भंगड़ा कुछ याद मिक्स मिलेगा पेश कर जा रहे हैं भंगड़ा 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 सोने देश पंजाब में दी की मैं सब जिला भगते पंज दरिया ने थे नाले मौज मारा उठ कटोर ते लगदा यार होंगे I'm gonna go
ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੜੀਏ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸੁਰਖ ਦੁਪੱਟਾ ਸੁੰਬਰੇ ਰੂਹੇ ਵੇੜੇ ਨੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੁੱਲ ਤੇਰੇ ਅਣਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਰੁਖਸਾਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਏ ਗੁੰਜਣਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਰੋਲਣੀਆਂ ਲੋਕੇ ਵੇੜੇ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਪਾਰੀ ਜਗਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮਹਿੰਦੀ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਗਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੂਟ ਰੰਗਾ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕ੍ਰਿਸ ਸਿੰਘਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਿਹਨੇ ਆਜ ਹਨ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਬੱਚੋ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੇ ਲਈ ਉਨਕੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਲਾਲ ਗੜੀਆ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਸੇ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲਾਲ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕੋ ਆਪ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 172 ਟਾਈਪ
समाज के उत्थान के लिए चला रहे हैं। आप लोगों का प्रयास है कि आप इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। उम्मीद है इस तरीके से एजुकेशन की मेहनत की जाएगी, बच्चों के साथ रिवार्ड होगा। मैं घर से कह सकता हूँ कि ये बच्चे बहुत आगे तक पहुँचेंगे। शिक्षा समाज का सबसे बड़ा दान है। आप एक बच्चे को एजुकेट करते हैं तो इसके साथ दुनिया उससे बेनिफिट लगती है। अपन वन टाइम नाम देंगे खुश हो जाते हैं, कुछ भी दान नहीं है इसके लिए। कुछ टाइम के लिए उसको सपोर्ट कर सकते हैं, पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, वो सात दुनिया तक जाएंगे, सात दुनिया तक उससे इफेक्ट आता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से ये विद्यालय बच्चों को मेहनत कर रहा है, बच्चों के लिए आगे करेगा और बच्चे दिन को दिन रात को दिन मेहनत के साथ में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू नरेश जी। इसी कड़ी के अंदर अब मैं धन्यवाद स्वरूप विद्यालय परिवार की तरफ से पहुंचे हुए सभी अतिथियों के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान रतनदास जी इंसा को कि आप मंच में आएं और विद्यालय परिवार की तरफ से सभी गेस्ट का धन्यवाद करें। हमारे SBI बैंक से स्टाफ पहुंचा हुआ है, उनका भी मोस्ट वेलकम। विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है जी। हॉस्पिटल से स्टाफ पहुँचा हुआ, उनका भी विद्यालय परिवार स्वागत करता है। एक निवेदन है आपसे कि 8369 एक गाड़ी नंबर प्लीज साइड कर लीजिए, आपके बहुत सारे वेट कर रहे हैं। 8369 86 96। रंजन सतपुर 83। तो सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है 2-4 मिनट के लिए प्लीज वेट जाइए। सारे बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, 5-7 मिनट के लिए बैठ जाइए चुपचाप। सारे पेरेंट्स जो लेडीज का पेरेंट्स को बैठाइए। 5-7 मिनट के कार्यक्रम है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है प्लीज आप 5-7 मिनट के लिए बैठ जाइए। Honorable ladies and gentlemen, those arrived here and heightened the grace of the function. Honorable Chief Guest and other dignitaries, parents and my guest friends. Happy greetings to you all. तो आप सारे आए, हमें एनकरेज किए, फंक्शन को एंजॉय किए, सारे बच्चों को आप सब लोग आशीर्वाद दिए। इसीलिए मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सहस्रकोटि की वॉइस के परिवार के तरफ से आई एक्सप्रेस माय हार्टली ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल। और अंडरवुड पेरेंट्स, ये दुनियादारी के स्कूल से हटके इधर बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ इनके कैरेक्टर बिल्डिंग को स्पेशल एम्फेसिस दिया जा रहा है। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका अलग स्कूल से बिल्कुल अलग है। कभी कभी आपको पता लगता होगा कि मेरा बच्चा का कम मार्क आ रहा है कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स साइंस रिसर्च इंग्लिश व्हाटएवर इट इज, कम मार्क आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, इधर कोई बच्चे को मार्क लेके सेटिस्फाई करना हमारा पर्पस नहीं है। हालांकि बच्चा का बेसिक स्टैंडर्ड सुधारना,
और उसका जितना डिजर्विंग पावर कितना मार्क उसको देना हमारा पर्पस होता है। वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव ए स्ट्रॉन्ग बेस टू द स्टूडेंट whether he is an old scholar or a new scholar. So you will be surprised the students, those are coming from different states, whether it is Delhi, Gurgaon, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and the different corner of Rajasthan. When they arrive here and appear the entrance test, we make the parents realize what is the actual standard of the child. Lekin unke taraf se request aata hai, sir, ye pitaji ki school hai, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम नायक सिंह जी की स्कूल है, इधर जो अलग स्कूल पे नहीं हो पाता है इधर ये पॉसिबिलिटी पे कन्वर्ट हो रहा है। ये उम्मीद के साथ हम इधर आए हैं और हमारा ये उम्मीद है हमारा बच्चा इधर अच्छा करे। यानी अब हम इनको रियलाइज करवाते हैं और इनके रिक्वेस्ट को मान के बच्चों को हम एडमिशन देते हैं और उनके सामने हमारा एक कंडीशन रहता है कि हमको कम से कम 6 महीना नहीं तो 1 साल चाहिए आपको रियलाइज करने के लिए किसी स्टैंडर्ड में आपने आपके बच्चों की दिया था और हम आपके बच्चों को कहां तक लेके पहुंचाएं। फिर जो हमारी कमिटमेंट के हिसाब से 6 महीना 1 साल के बाद जब वो पेरेंट्स आते हैं उनके बेसिक स्टैंडर्ड हम प्रूव करते हैं, उस पेरेंट्स नाराज होते हैं मेरा बच्चा का मैथ में कम मार्क आ गया, मेरा बच्चा का साइंस में कम मार्क आ गया, लेकिन हम उनको रियलाइज करवाते हैं आप आपके बेसिक स्टैंडर्ड देखिए, आपका बच्चा का रीडिंग स्टैंडर्ड देखिए, आपका बच्चा का स्पोकन देखिए, आपका बच्चा का राइटिंग स्टैंडर्ड देखिए। मार्क के साथ कुछ नहीं होता, एक बच्चा को मार्क देना एक स्कूल का नहीं तो टीचर का लेफ्ट हैंड की खेल होता है, किसी भी हिसाब से मार्क दिया जा सकता है लेकिन वो एक्चुअल मार्क नहीं है। बिल्कुल जो 100% ट्रूथ हम पेरेंट्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं, रीडिंग स्टैंडर्ड जो भी बच्चा का होता है स्टार्टिंग में हमको प्रूव करके दिखाते हैं, इसके राइटिंग स्टैंडर्ड प्रूव करके दिखाते हैं, इसके थिंकिंग एबिलिटी के अंदर कितना इंप्रूव प्रूव करके दिखाते हैं। तो इन दिस मैनर आपके जो भी बच्चे घर पढ़ रही हैं लोकल के बच्चे हैं दूर से हो हॉस्टल हो देश कला हो सारे बच्चे के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रयास है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक बच्चा को अच्छा बनाने के लिए आज की जो टाइम मोबाइल का जमाना है सारे डिजिटल मीडिया का जमाना है जो हम कह सकते हैं एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन इन एजुकेशन, इसको सारे फेस करके बच्चे को आगे बढ़ाना है, जो करता है उसको पता है। लेकिन अगर हमारे साथ साथ पेरेंट्स की कोऑपरेशन मिल रहा है, पेरेंट्स बच्चे को घरे गाइड करें उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें तो वो बच्चा पीछे नहीं रहेगा। तो आपको बताऊं आज भी कुछ बच्चे जो प्राइज दिया गया ये बच्चे स्टार्टिंग में आए थे पूरा स्कूलिंग कंप्लीट करके जा रही है, इसी हिसाब से जो 7-8 बैच कर गए हैं पास आउट होके यही मेरी कुछ पेरेंट्स बैठे हैं शायद डेल्लू जी हैं जो मेरे सामने हैं, इनकी बेटा अभी इंजीनियर होके कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा देता होगा। डेल्लू जी जो बैठे हैं इनके लिए क्लैपिंग हो जाए, शायद विशाल डेल्लू था और अपने गोविंदर जी इधर हैं, वो बच्चा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी कोई ना कोई इंस्टीट्यूट में भी इंजीनियर होगा। इसी हिसाब से लगभग 15 से 20 बच्चे इधर MBBS करके डॉक्टर बन चुके हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज में हैं और कुछ बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं। आपको बता दूं एक छोटी सी एग्जाम्पल, हमारा स्कूल में एक एम्प्लॉई थे मिस्टर गुरदयाल जो अलवर से हैं, उनका के बेटा था उसका नाम गौरव सैनी अलवर से हैं। 5 साल पहले बच्चा इधर से पास आउट हुआ था और उनके फाइनेंशियल कंडीशन के लिए वो बच्चा एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन जो बच्चा का बेस क्लियर उसको रोकेगा कौन? बच्चा जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तब उसने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। आप देख लो फर्स्ट ईयर में ही जॉब ढूंढना शुरू कर दिया और गुड़गांव में कंपनी में इसको जॉब मिल गया, इधर इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी और इधर जॉब। धीरे 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 बच्चा डेवलप करता गया, 4 साल के बाद जब वो पास आउट हुआ तब उसका सैलरी था
2 लाख समथिंग था, इंडिया में कोई कंपनी को काम कर रहा था, जून के अंदर उसका एग्जाम कंप्लीट हो रहा है और जुलाई में उसको ऑफर आ रहा है गूगल से, गूगल कंपनी से ऑफर आ रहा है, सीधा उसकी पैकेज 4.5 लाख रुपया, सीधा उसकी पैकेज 4.5 लाख रुपया। आप देखिए, और इसके बाद वो बच्चा को इनवाइटेशन आया इंग्लैंड से, और भी वो बच्चा का शायद मंथली पैकेज 7 लाख से ज्यादा है, वो बच्चा का मंथली पैकेज 7 लाख से ज्यादा है, ये स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा। तो इसी हिसाब से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के और सिविल सर्वेंट बन के ये देश को सेवा कर रही है, और आगे भी जो बच्चे आएंगे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, ये टाइम ही बताएगा, आप लोग की कोऑपरेशन बताएगा वो कहाँ तक जाएंगे, कैसे आप लोग के नाम ऊपर लेके जाएंगे, कैसे स्कूल के नाम ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हमारे प्रयास के साथ साथ राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग वी ट्राई आवर बेस्ट, वी अप्लाई आवर माइंड, वी थिंक वी एक्सप्लोर टू टेक द स्टूडेंट फॉरवर्ड। और हमारे साथ साथ अगर आपकी कोऑपरेशन जुड़ जाए, आपकी इंस्पायरेशन जुड़ जाए, आपकी प्यार जुड़ जाए, तो फिर कहना क्या है, पिताजी हमारे साथ साथ है, वी शैल कन्वर्ट द इम्पॉसिबिलिटी इनटू पॉसिबल। वन सेकेंड एट द एंड I express my heartfelt gratitude before all invited guests, parents, teachers and students. और जो मेरे टीचर हैं, लेडी टीचर्स, जेंट टीचर्स, बहुत अच्छे हैं, they do their best, और आज भी सारे मिलजुल के ये फंक्शन को सक्सेस देने में पूरा जोर लगाए, पूरा मेहनत किए। तो मेरे टीचर के लिए, मेरे जो बच्चे के लिए आपके तरफ से प्यार भरा क्लैपिंग हो जाए और सभी को आशीर्वाद दीजिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आशीर्वाद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल सर से कि अभी हम जो हमारे अतिथि पहुंचे हैं उनको सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट करने हैं। अब मैं निवेदन करूंगा वाइस प्रिंसिपल सर श्री बेंत सिंह जी से, श्री रूप सिंह जी सर से कि आप भी मंच पे आए, और साथ ही साथ निवेदन करूंगा श्री नरेश जी लालगढ़िया जी से कि मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें भी सम्मान प्रतीक भेंट करके एक प्रेम निशानी विद्यालय की तरफ से दी जाए। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा श्री शेखर जी से कि आप श्री दलजीत सिंह बराड़ जी, कृष्ण सहायक अभियंता श्री गंगानगर जी को स्टेज पे लेकर आए जी। श्री राजेंद्र जी से निवेदन है कि आप भी श्री बराड़ साहब को मंच पे लेके आए जी। विशिष्ट अतिथि की ट्रॉफी मोमेंटम नरेश जी लालगढ़िया जी के हेतु मुख्य अतिथि की ट्रॉफी आप सुखदीप जी आप मंच पे लाएं। अब मैं निवेदन करूंगा श्री मनदीप जी एसपीआई मैनेजर ब्रांच श्री गुरु सरमोड़िया से आप भी मंच पे आए और विद्यालय परिवार की तरफ से एक मोमेंटम आप ही प्राप्त करें। श्री राजेंद्र जी से निवेदन है कि मनदीप जी को मंच पे लाने में इनको सहायता करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, श्री मनदीप जी एसबीआई मैनेजर ब्रांच श्री गुरु सरमोड़िया सम्मान प्रतीक विद्यालय परिवार की तरफ से प्राप्त करते हुए हम गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। श्री दलजीत सिंह जी बराड़ कनिष्ठ अभियंता श्री गंगानगर आप जी से भी निवेदन है कि आप भी विद्यालय परिवार से सहप्रेम सम्मान प्रतीक प्राप्त करें जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शालू जी इंसान आप ही मंच पे आए और गर्ल्स स्कूल की तरफ से एक सम्मान प्रतीक विमल मैम जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही मंच पे आए सम्मान प्रतीक प्राप्त करें जी।
अब मैं निवेदन करूंगा गुरखेत सिंह जी सरपंच ग्राम पंचायत गोसर मोड़िया से कि आप ही मंच पे आए। राजेंद्र जी राजगी जी आपसे निवेदन है कि सरपंच साहब आपको स्टेज पे आके लेके आए। हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए श्री मनदीप जी एसबीआई ब्रांच मैनेजर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 1100 रुपीस सैपरिंग भेंट कर रहे हैं जी। धन्यवाद सर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपने। इसी दौरान पहले पंगड़ा स्टूडेंट्स के लिए श्री मक्खन सिंह जी की तरफ से भी सैपरिंग भेंट आई थी जी। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो कल एग्जाम लास्ट एग्जाम है। सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को कल स्कूल वैन आएगी एज इट इज 45 मिनट्स अर्लियर आएगी, 45 मिनट पहले आनी है। तो बाकी एज इट इज एग्जाम चलेगा, एक माइनर एग्जाम है तो वो जरूरी है दिलवाना जी आपने। तो कोई बच्चा घर पे ना रहे जी। और इसके साथ ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, वो भी डेट जल्दी आपको पास आउट कर दी जाएगी, ग्रुप्स के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। साइड में रूम है वो खोल दें ताकि बच्चे दोनों बैठ सकें।